नमस्कार, एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जितने भी रिजल्ट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके जारी हो रहे हैं। यहाँ पर तीन बड़े जिलों से जो रिजल्ट है अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले आपका जारी हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट खोला है और साइट एक तरीके से सिलो चल रही है, इसकी वजह से बाकी जितने भी आपके जिले हैं सभी का जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो काफी छात्रों के मन में डाउट चल रहा होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या क्या लगने वाले हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा ये बिल्कुल आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो मैं बताने जा रहा हूं अगर इनमें से आपके पास में एक भी डॉक्यूमेंट्स का अगर अभाव है तो तुरंत प्रभाव रूप से आपको इसको एक तरीके से कंप्लीट है वो करवा लेना है, ठीक है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर भी किया था कि डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उनके द्वारा जो रिजल्ट है आपका वो जारी किया गया था। उसके बाद में एक और दो नए जिले हैं उनका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। कितने जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं, ठीक है, जैसे डीएसपी के स्टूडेंट हो गए, साथ में ड्राइवर से रहता है, तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है, वो मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पर जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहा हूँ टोटल आपको 14, ठीक है, यानी कि 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। और इन गाइडलाइंस का आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है, क्योंकि जैसे तकरीबन 13-14 तारीख को आपका जो मेडिकल होगा, क्योंकि तब तक आपकी जितनी भी लिस्ट वगैरह है, ठीक है, जो भी आपकी फाइनल लिस्ट वगैरह है राजस्थान पुलिस के लिए वो आपकी जारी हो जाएगी। इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। फर्स्ट में जैसे आपका 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट होगी, अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कर रखा है तो उसकी मार्कशीट आपकी लगेगी, ठीक है। जैसे ही आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म वगैरह भरा था उस टाइम तक आपने 12th पास कर रखा था, और जैसे अभी ये फिलहाल आपका टाइम आ चुका है और इस तक आपने अगर अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह आपने कंप्लीट कर ली है तो उसकी मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट है वो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट से जब आपका डीवी वगैरह होगा उसमें आपको दिखाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयु प्रमाण पत्र, ठीक है। देखो मोस्टली तो क्या होता है कि जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई उनमें जो आपकी आयु रहती है, ठीक है, वो आपकी मेंशन रहती है। अगर बाय चांस नहीं है, वैसे तो रेयर चांसेस होते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो आपको आयु प्रमाण पत्र है वो भी आपका बनवाना होगा। थर्ड पॉइंट है जो भी एससी एसटी ओबीसी ईबीसी एसबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर अभी पुराना है तो आप तुरंत प्रभाव रूप से आप किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 7 से 8 पॉइंट क्लियर करूंगा उसके बाद में मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस जिले से एक तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है, ठीक है। अब उसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आपको 2022-23 की जो आपकी आय है उसके आधार पर ही आपको एक तरीके से ऑनलाइन जो आपका जारी रहता है आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फिफ्थ पॉइंट है कि सेंटर, अगर आप जैसे सेंटर में नौकरी वगैरह कर रहे हो तो बिल्कुल आपको एनओसी वगैरह लगानी है, जैसे कि आप पहले से कहीं पर एक तरीके से आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और उसके बाद में आपको राजस्थान पुलिस में आपको यहाँ पर भी जॉब मिल गई है तो आपको एनओसी देना वहां पर जरूरी होगा, ठीक है। अगर आप वहां पर भी ज्वाइन करके रखते हो और यहीं पर भी आप अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक तरीके से आपकी जो नौकरी रहेगी उससे हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, अभी तक के जो फैमिली में अगर कोई भी एक तरीके से मान लीजिए आपका पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स में से आपकी मम्मी है या आपके पापा है ऑलरेडी एक तरीके से मतलब कि ऑलरेडी वो किसी भी सर्विस में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और जॉब करते करते उनका एक तरीके से वो मृतक पाए जाते हैं, ठीक है, मृतक है, तो उनकी एक तरीके से मृत्यु का एक प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, ठीक है, वो आप लगवा सकते हो। सेवंथ पॉइंट है, अगर आपने जैसे लास्ट पढ़ाई जहां से भी की है, ठीक है, जैसे आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है, जैसे लास्ट पढ़ाई आपने जैसे अपनी यूजी हो चाहे फिर वो पीजी हो, आपने जहां से भी अपनी लास्ट पढ़ाई की है वहां के जो संस्था के जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है। जैसे कि लास्ट पढ़ाई आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। टोटल आपके 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, फर्स्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेकंड जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, 2 जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेंगे वो आप किसी भी 2 स्थानीय जो प्रतिष्ठित है, ठीक है, प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है उनके यानी कि रिश्तेदार, आपके जो रिश्तेदार वगैरह है, रिलेटिव वगैरह है, उनसे अतिरिक्त जो आपके एक तरीके से प्रतिष्ठित स्थानीय लोग हैं उनसे आप बनवा सकते हो। जैसे कि उनमें आ जाते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, उसके बाद में कोई भी स्कूल हो गया उसके एक तरीके से
मतलब कि स्कूल का हेडमास्टर हो गया या प्रिंसिपल हो गया, इनसे आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। अब उसके बाद में जो रिजल्ट कहाँ से जारी हुआ है, देखो उससे पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि जो आपका रिजल्ट है बांसवाड़ा से जारी हो गया था, ठीक है, बांसवाड़ा का मैंने क्लियर कर दिया था। कल के वीडियो में मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी कर रखा है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। एक बार यहाँ से मैं आपको जो जानकारी है वो दे देता हूँ। देखो बांसवाड़ा के जो स्टूडेंट है, जैसे बांसवाड़ा जिला है, उसमें कितने स्टूडेंट एक तरह से क्वालिफाई कर पाए हैं, एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूं आपको। इसमें टोटल 125 स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए हैं। उसके बाद में यहां पर तकरीबन चालक के लिए तकरीबन 10 स्टूडेंट यहां पर क्वालिफाई कर पाए हैं। अब उसी के बाद में जयपुर के स्टूडेंट है, ठीक है, जयपुर जिले का जो स्टूडेंट है उसका भी यहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कितने स्टूडेंट है जो एक तरीके से क्वालिफाई वगैरह कर पाए हैं, वो भी यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो तो साइड में आपको एक तरीके से जो ठीक है नोटिस है उसका देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे 53, ठीक है, टोटल 53 स्टूडेंट है यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए हैं। साथ में चालक यानी कि कांस्टेबल चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर जयपुर के लिए रहने वाली है 9, ठीक है। उसके बाद में राजसंबंध जिले से भी जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, और अभी फिलहाल मैं आपको क्लियर कर दूं साइट बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है, इस वजह से आपके और भी जो रिजल्ट है वो आपके आने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में राजसंबंध का मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें कितने स्टूडेंट एक तरीके से एलिजिबल हो पाए। इसमें टोटल 99 स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए हैं। साथ में जो कनिष्ठ सामान्य सूची की बात करें टीएसपी में, वो आपके 5 रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला राजसंबंध घुड़सवार की आपकी रहने वाली है, टोटल 3 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, क्या क्या गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 8 नंबर का पॉइंट है कि अगर आप जैसे भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको एक तरह से एनओसी कार्ड आपको बनवाना होगा, या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपका बनता है, या आपका पेंशनर जो प्रमाण पत्र है वो आपका लगता है अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर का पॉइंट है कि अगर आप टीएसपी से हो या शहरी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र है वो आपका लगता है। 10 नंबर का पॉइंट है कि यहां पर आपके 2 फोटो लगेंगे, ठीक है, आवेदक की आपकी 2 फोटो है, वो लेटेस्ट फोटो है वो आपके लगेगी, वहां पर जो साइज वगैरह है जेपीजी फॉर्मेट वगैरह वो आपको नोटिफिकेशन में शो जाएगा, ठीक है। जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स मैं क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। 11 पॉइंट है कि विधवा होने के मतलब कि जैसे विधवा के मामले में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो साक्षात प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। साथ में उसी के साथ में आपका एक डिक्री आदेश का भी एक प्रमाण पत्र आपका बनता है वो आपका लगेगा, ठीक है। वैसे तो विधवा का प्रमाण पत्र अगर आप विधवा हो तो आपके पति का जो प्रमाण पत्र है वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है अगर आप कॉन्स्टेबल ड्राइवर से अगर आपने एक तरीके से अप्लाई किया है तो आपके जो लाइसेंस है वो लगेगा LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, और साथ में दूसरा HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका लगेगा जो कि लास्ट ईयर ये आपने बनवा लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर का पॉइंट है कि अगर आपने NCC स्काउट वगैरह, ठीक है, उसके बाद में NSS या होम गार्ड से अगर आप हो तो आपका जो डिप्लोमा वगैरह अगर आपने कर रखा है तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको वहां पर लगा देना है, 5% की आपको छूट है वो मिल जाएगी। 14 नंबर का पॉइंट है कि आपका विवाह प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका विवाह प्रमाण पत्र लगेगा तो वो आपको बनवा लेना है। वहां पर डेट भी आपकी 22/5/2006 तक रहने वाली है, यानी कि उससे पहले कि अगर आप हो तो आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। साथ में मेडिकल का मैंने क्लियर किया है कि 14 से 15 तारीख तक आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी जितने भी जिलों से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो आपको तुरंत प्रभाव रूप से मैं बता दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।